में आज मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की ये बैठक होगी। बता दें इस बैठक में 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ के पदाधिकारी शामिल होंगे। संगठन में नई नियुक्तियों के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है जो काफी अहम मानी जा रही है। तो नई नियुक्तियों के बाद ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बता दें सरकार की योजनाओं और संगठन के कामकाज को लेकर आज ये बैठक होने जा रही है। साथ ही आने वाले उपचुनाव और निकाय चुनाव से जुड़ी रणनीति पर भी इस बैठक में बातचीत हो सकती है। तो बता दें उपचुनाव और आने वाले निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भी फीडबैक लिया जा सकता है। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं, अधिक जानकारी ले लेते हैं। वासु, संगठन में नई नियुक्तियों के बाद पहली बार ये बैठक होने जा रही है, काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि निकाय चुनाव भी नजदीक हैं, उपचुनाव की तैयारियों में भी बीजेपी जुटी हुई है। बिल्कुल शुभांगी, देखिए प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज सुबह 11 बजे से ये जो अहम बैठक है वो आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा वो शामिल होंगे इस पूरी बैठक में, अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम जो भाजपा की प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल होंगे। और विशेष रूप से ये बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि बीजेपी ने अपने जो प्रकोष्ठ हैं उनके संयोजकों को नियुक्त किया है, मोर्चा प्रमुखों की जो नियुक्ति है वो की गई है, उनका आने वाले समय में क्या कुछ कार्यक्रम बन रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं, किस तरीके से पब्लिक को डायरेक्ट बीजेपी के साथ जोड़ा जाए, बीजेपी की रीति नीति को जमीनी स्तर तक लेकर जाया जा सके, ये तमाम वो मुद्दे होंगे जिन पर आज की इस बैठक में चर्चा होगी और आने वाले समय का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया जाएगा। निश्चित तौर पर शुभांगी आप जिक्र कर रही थी कि आने वाले समय में निकायों के चुनाव होने हैं, इसके साथ ही 4 सीटों पर उपचुनाव होने, जो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से दमोह का जो रिजल्ट आया, चुनाव परिणाम आया, वो बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा। तो बीजेपी अब एक बार फिर पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतरेगी और कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि जो एक बार फिर जीत की जो लय है उसको हासिल किया जाए और उसमें निश्चित तौर पर जो मोर्चा है और जो प्रकोष्ठ है उनका एक अहम योगदान होने वाला है। तो आने वाले समय में इनके क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, इसका ब्लूप्रिंट, इसका एक खाका आज बैठक के दौरान तैयार किया जाएगा। बिल्कुल वासु, सही कहा आपने, बीजेपी हमेशा से चुनाव पे फोकस रखती है और जिस तरह से चुनाव नजदीक है ऐसे में बड़ी बैठक आज होने जा रही है। बता दें सेल प्रकोष्ठ और मोर्चा को सलाह दी जाएगी कि किन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, क्योंकि बीजेपी का फोकस इस बार जनता के बीच जाकर जनता को योजनाओं से अवगत कराना है। तो कहीं ना कहीं आज की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, देखना होगा कि इस बैठक से क्या कुछ सामने आता है। धन्यवाद वासु तमाम जानकारी के लिए।